हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं गोइंग टू का यूज़, बी प्लस गोइंग टू का यूज़ कि कब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिएगा ज़रा कि जब किसी भी सेंटेंस में दिया गया हो ऐसा होने वाला है, ऐसा होने जा रहा है, इस तरीके से जब कुछ दिया गया हो तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्पेशली गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और गोइंग टू के साथ हमें जो है बी की जगह पर, जो बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमें प्रेजेंट की फॉर्म इसकी यूज़ करनी है जो कि होती है इज एम आर। जरा समझिएगा, जैसा जैसे मान लो इसमें कहा गया है मैं एक पत्र डालने जा रहा हूँ, वह धूम्रपान छोड़ने वाला है, वे अपना घर किराए से देने वाले हैं, तुम एक नया फ्रिज खरीदने वाले हो। अब इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन सा फैक्ट सभी लोग देख रहे होंगे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाली, इस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब इनको बनाने के लिए हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं, शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंस है इनमें। यस माय डियर, डिफरेंस है, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, विल और शैल एक ब्रीफली थोड़ा सा समझ लें कि अगर विल और शैल की बात करें तो अगर डिस्टेंट मतलब दूर फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होने वाली है, मतलब एकदम क्लियर नहीं कि ऐसा होगा ही, करोगे ही या नहीं करोगे, तो वहाँ पर हम विल शैल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब पहले से फिक्स हो, पहले से सोची समझी चीज़ हो कि हाँ यार मैं ऐसा करूँगा, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का। आई बस समझ में, इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का। जैसे मान लीजिए मैं एक पत्र डालने जा रहा हूँ, इट मीन्स मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पत्र डालूंगा, मैं पत्र पोस्ट करूंगा, तो हम यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम, आई एम के बाद क्या रहेगा, गोइंग टू, जैसा कि क्लियर हो रहा है आई एम गोइंग टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है टू पोस्ट अ लेटर, आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लेटर। वह धूम्रपान छोड़ने वाला है, वह के लिए क्या हो जाना है, ही, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे आप, इज, इज के बाद क्या यूज करेंगे, गोइंग टू, और छोड़ने वाला है तो गिव अप, राइट, गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ना, त्याग देना, और धूम्रपान के लिए सभी लोग जानते हैं स्मोकिंग। तो सेंटेंस क्या बना, ही इज गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग। बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं माय डियर्स, ये जो सेंटेंसेस हैं या इस तरीके की जो कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं ये बोलने में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। सो इनको अच्छी तरीके से इस स्ट्रक्चर के फंडामेंटल पर अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे ये, और बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपकी इस तरीके से सुधरती चली जाएगी। वे अपना घर किराए से देने वाले हैं, वे के लिए क्या हो जाना है, दे, दे के साथ आप क्या लगाएंगे, आर, आर के बाद क्या लगाएंगे, गोइंग टू, और किराए पर देना इसके लिए लगाता है, लग जाता है लेट, तो दे आर गोइंग टू लेट। अब भाई क्या देने वाले हैं, वे के लिए हो गया दे, अपना घर किराए पर देने वाले, क्या देने वाले, अपना घर, तो अपना घर के लिए क्या हो जाएगा, देयर हाउस। होम मत लिखिएगा माय डियर, ठीक है, होम मत लिखिएगा, दे आर गोइंग टू लेट देयर हाउस। तुम एक नया फ्रिज खरीदने वाले हो, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू, यू के साथ आपको क्या लगाना है, आर, आर के बाद क्या लगाना है, सीधा सा फंडामेंटल वही है, गोइंग टू, फिर क्या करने वाले, खरीदने वाले हो, खरीदने की क्या होती है, बाई अ नया फ्रिज, न्यू अ फ्रिज, राइट। तो सेंटेंस हमारा देखो कितना आसानी से बन गया, यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू फ्रिज। क्या तुम एक नया फ्रिज खरीदने वाले हो, अब ये मत सोचिएगा कि इसी तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे, इंटरोगेटिव में भी बनेंगे, तो क्या तुम एक नया फ्रिज खरीदने वाले, इट मीन्स तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, तो यहां पर अब जब बनाएंगे तो क्या पहले आ गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो आर यू गोइंग टू बाई अ, नया के लिए क्या होना है, न्यू फ्रिज, आर यू गोइंग टू बाई अ न्यू फ्रिज। तुम क्या खरीदने वाले हो, तो इट मीन्स तुमने क्या डिसाइड किया है खरीदने के लिए, मतलब कुछ तो डिसाइड किया है, इसीलिए तो कहा जा रहा है यहां पे गोइंग टू यूज करेंगे, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, वॉट आर यू, ठीक है, फिर गोइंग टू बाई, या आप यहां पर अगर बाई नहीं यूज करना चाहते हैं तो परचेज भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है।
हम रसोई घर में टाइल्स लगाने वाले हैं, तो हम के लिए क्या हो जाना है? वी के साथ क्या हो जाना है? आर, वी, ही। सिंगुलर के इस के जो सिंगुलर के साथ लगता है वी, हमारा यहाँ पे आइए प्लूरल है, सो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो वी आर गोइंग टू टाइल कहाँ लगाने वाले? इन द किचन। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, वी आर गोइंग टू टाइल इन द किचन। ठीक है, हम रसोई घर में टाइल लगाने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से इस बिहाव पे या इस स्ट्रक्चर या इस फंडामेंटल के बिहाव पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सेंटेंसेस आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से उतर जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।